बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुन्नत के मुताबिक नाखन तराशने का तरीका। हज़रत मुजद्दद अरफ़सानी अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यूं तो सुन्नत कभी भी फ़ायदे से खाली नहीं जाती, लेकिन सुन्नत अदा करते वक्त यही नीयत रखनी चाहिए कि इस तरीके से हज़रत अलैहिस्सलाम ने इस काम को सर अंजाम दिया है और यही सुन्नत है। तो नाखन तराशते वक्त सबसे पहले शुरू जो किया जाता है वो शहादत की उंगली से शुरू किया जाता है। सबसे पहला नंबर शहादत की उंगली का है और इसके नाखन तराशे जाते हैं, फिर उसके बाद दरमियानी उंगली के, फिर इस उंगली के और फिर सबसे छोटी उंगली के। उसके बाद आप अंगूठे को रहने देते हैं, अंगूठे को सबसे आखिर पे तराशते हैं। इसके बाद आप जाएंगे बाएं हाथ की चिंगली पे, छोटी उंगली पे, फिर उसके साथ वाली उंगली पे, फिर दरमियानी उंगली पे और फिर इस उंगली पे और फिर अंगूठे के नाखन तराशते हैं। उसके बाद जाके आपने आखिर में दाएं हाथ के अंगूठे के नाखन तराशने हैं। और ये तरीका इस तरीके से रहेगा, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, पाँचवें नंबर पर, छठे नंबर पर, सातवें नंबर पर, आठवें नंबर पर, नौवें नंबर पर और फिर दसवें नंबर पर। इस तरीके से आपके हाथों की सुन्नत के तरीके से नाखन तराश सकते हैं। इसी तरीके से जब पाँव के नाखन तराशने हों तो फिर सबसे पहले दाएं पाँव की छोटी उंगली से शुरू करना है। एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पाँच नंबर, फिर छः नंबर, सात नंबर, आठ नंबर, नौ नंबर और दस नंबर। यानी तरतीब जो जाएगी वो दाएं से बाएं जाएगी, तरतीब बहुत। इस तरीके से आप हाथों और पाँव दोनों की सुन्नत के मुताबिक नाखन तराश सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।